संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट और संकट होंगे समाप्त। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 11 अप्रैल 2020 शनिवार के दिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी आती है और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से तथा कथा का श्रवण करने से सारे जीवन के संकट और कष्ट हो जाते हैं समाप्त। तो मित्रों, इस दिन आपको भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करके संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा भी सुनना चाहिए। चंद्रोदय रात को 10:23 पर होगा। प्रातः काल से लेकर के देर रात तक यह व्रत किया जाता है और सूर्योदय से लेकर के इस व्रत का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि चंद्रोदय के साथ समाप्त हो जाएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे कष्ट और संकट दूर होते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में भगवान गणपति के वक्रतुंड स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान करें, गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके मन ही मन संकल्प करें और कहे कि हे वक्रतुंड गणेश जी, मैं चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रह करके आपके स्वरूप का ध्यान करूंगा या करूंगी एवं शाम को आपका पूजन करके चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा या करूंगी। संकल्प के बाद पूरे दिन भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा निकलने पर भगवान चंद्रमा को अर्घ दे और वैशाख चतुर्थी की कथा सुने और इस कथा को अन्य लोगों को भी सुनाएं। पूजन के बाद कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए या मखाने का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। अब हम आपको वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। धर्म केतु नाम का ब्राह्मण था, उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का विधिवत पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। भगवान गणेश जी ने अपनी माता को उत्तर दिया, हे माता, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए तथा उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रद्धा युक्त होकर के सुने। भगवान कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया है उसे जो फल प्राप्त हुआ है मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नाम का प्रतापी राजा हुआ था। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है उसी प्रकार अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम था सुशीला, दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई भी व्रत उपवास नहीं करती थी, भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
यह देखकर के चंचला बारंबार सुशीला को ताना मारने लगी। अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर बना डाला है, फिर भी एक कृशकाय दुबली पतली कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैंने कभी भी व्रत आदि नहीं किए हैं और व्रत के चक्कर में ना पड़ करके हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सोत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक प्रसन्न व संतुष्ट है। मैं तुम्हें वरदान देना चाह रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर हीरे जवाहरात मोती मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता प्राप्त होगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी प्राप्त होगा। और इस प्रकार दो वरदान देकर के भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गणेश जी के वरदान के प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव हीरे मोती जवाहरात और मूंगा आदि रत्न झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद धर्म केतु यानी उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर के दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति ग्रह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा हीरे जवाहरात गिरने लगे। उसके फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को एक कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उस कन्या की रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देख करके चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगा करके उसने कहा, हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरी कन्या को जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ आप गणेश जी है। चंचला आकर के उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देख करके सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन हूं और दुष्टा हूं। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप दयावती है, अपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं का नाश प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के उस व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर भगवान गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण उसकी सोत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत हमने आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी के व्रत को कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का, रोगों का और सारे कष्टों का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नव निधियां आपके सामने करबद्ध होकर के खड़ी रहेगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप राज्य, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि और सभी को प्राप्त करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत जो कोई भी श्रद्धा से, भक्ति से करता है तथा इस पुण्यदायक कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और वह दीर्घायुष्य को प्राप्त करते हुए जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है और अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान।
भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।